देखा जाए तो जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, जहाँ समाज हित की बात होती है, राष्ट्रहित की बात होती है, तो वो हर मोर्चे पे बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के यहाँ खड़े रहते हैं। तो आज 26 नवंबर 2019 है और देखा जाए तो आज भारतीय संविधान दिवस है। तो आज जो है आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहेंगे कि आज भारतीय संविधान का दिन है और क्या कहना चाहेंगे आज के दिन। कि ऐसा है कि मैं अपने सारे देशवासियों से कहना चाहूँगी कि हमारा संविधान खतरे में है और संविधान जो दुनिया के बेहतर संविधानों में से है, जो बाबा साहब और उनके साथ जो साथी थे उन्होंने मिलकर हमारे देश में सही मायने में जमहूरियत आए, इसके लिए वो पूरा संविधान बनाया गया था जिसमें बराबर का अधिकार हर शख्स को था, हर मर्द, हर औरत, हर धर्म के, हर जाति के, हर सोच के लोगों को, एक जो प्लुरलिज्म हमारे संविधान में है, डाइवर्सिटी है हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में, उसको संविधान ने बरकरार रखा। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आपकी जो लिबर्टी है सोचने की, बोलने की, काम करने की, वो कोई नहीं छीन सकता है। ये सारी जो बातें हैं, सेक्युलरिज्म है, ये सारे वैल्यूज़ हैं। और सबसे बड़ी बात है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इस देश के लोग अपने आप को ही संविधान दे रहे हैं। जो देश के लोग जो संविधान अपने आप को दे रहे हैं उनके हक का क्या होगा। और आज जो बाबा साहब ने एक प्रिडिक्ट भी किया था एक तरह से कि संविधान बनाने से कुछ नहीं होता है, कि कौन से लोग देश को चला रहे हैं, वो संविधान का क्या मायने रहेगा अगर जो चलाने वाले हैं वो ही नहीं उसकी अगर इज्जत करेंगे, उसी को वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और आज हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों के इतिहास में संविधान नहीं मानने की बात है, जो मनुस्मृति में विश्वास करते हैं, जो बहुत ही मतलब दख्यानुसी और गैर बराबरी का जो ढांचा जिसमें दिया हुआ है, चाहे वो औरतों के प्रति, चाहे वो दलितों के प्रति, चाहे वो जाति प्रथा को लेके, ब्राह्मणों को लेके, वो सारी बातें जो हैं वो उसको ऊपर रखते हैं। और जिन्होंने कभी हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना, अपना अलग उनका झंडा रहता था, जिन्होंने कभी इस देश को एक सेक्युलर देश नहीं माना, हमेशा चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बने, यानी ब्राह्मण राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र में वो सारी जो जाति के लोग हैं उनको वो कभी ऊपर नहीं आने देते हैं, उनका कोई भी वजूद नहीं समझते। तो ऐसे लोगों को के हाथ में हमारा देश चला गया है और ऐसे लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी पूरी तरह से ब्रिटिश का साथ दिया था, माफ़ीनामा मांगा, अपने लोगों के साथ गद्दारी करके उनके खिलाफ, इनके कुछ लोग थे जो भगत सिंह के खिलाफ भी, जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे थे वकील, वो इनके साथ ही थे। और जिन्होंने कई बार जो यहाँ पे लड़ रहे थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उनके खिलाफ गवाही वगैरह भी दी, ये सारे काम किए। और हमेशा कहा लोगों से कि नहीं, इस आंदोलन मत जोड़ो, अंदर के दुश्मन के ऊपर वो लोग हमेशा एक एम्फसाइज करते थे, जो बांटने वाली नीति थी, जहर घोलने वाली, कि मुसलमानों के और दूसरे जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हो, और जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर नहीं उठेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में जब सत्ता आएगी तो जो देश में हो रहा है वही उम्मीद हो सकती थी, और यही हुआ है, एकदम सारे मतलब बड़े बड़े दांत निकल आए इन लोगों के। हाँ मैडम, आपको रोकते हुए मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं कहना पूछना चाहूँगा कि देखा जाए तो भारतीय संविधान के माध्यम से आज जो है महिलाओं को जो आज़ादी मिली है, और दूसरी तरफ देखा जाए मनुस्मृति की अगर बात की जाए तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी वहाँ जो है कहीं ना कहीं एक भोग विलास की वस्तु के रूप में उसको माना गया है। तो आज भारतीय संविधान का दिवस है और देखा जाए तो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया आज इसको सेलिब्रेट कर रही है, इस प्रोग्राम को, इस आयोजन को। तो आज आप अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बाबा साहब की वजह से आपको मिली है? बिल्कुल ऐसा है कि ये आज़ादी हमको नॉट जस्ट एज महिलाएँ, लेकिन एज कोई जो हमारे सिटीजन्स हैं, एज सिटीज़न, एक इंसान के नाते हमें एक आज़ादी जो मिली है वो पूरी तरह से ख़तरे में है। बोलने की आज़ादी भी नहीं है, जितने लोग अगर डिसेंट करने वाले लोग हैं या कोई क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं, या तो उनके खिलाफ एक ईडी भेज दी जाती है या CBI भेज दी जाती है, या तो हमको ज्वाइन कर लो या तो जेल जाओ। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, जिस तरह से हर जगह बंदूक लगा के आप लोग खरीद लेते हैं इन लोगों को, या डरा के कर लेते हैं। महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, देखिए कि मनुस्मृति में तो जो लिखा है, लेकिन आज के जो लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने पूरे 80 लाख लोगों के साथ जो एकदम मतलब कहते हैं कि एक जंग छेड़ दी है, और ख़ास तौर से महिलाओं के ऊपर, वहाँ पे महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रही हैं, और कहते हैं कि हम वहाँ पे ज़मीन हड़पेंगे, और ज़मीन के साथ साथ उन्होंने लड़कियों को भी जोड़ दिया कि हम वहाँ पे गोरी लड़कियों से जाके शादी करेंगे। कौन तुमसे शादी करना चाहता है, क्या ज़बरदस्ती आप करेंगे? जितने बड़े बड़े लीडर हैं ये कहते हैं कि महिलाओं का काम उनके घर में है,
उनके किचन में है, वो मतलब अपने पतियों की सेवा करें और बच्चे पैदा करें, ये सब इनके बहुत ही ख़राब दख्यानुसी विचार हैं। और खुल के कह रहे हैं कोई उनको रोक नहीं है। जहाँ जहाँ रेप हो रहा है देखिए, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे चिन्मयानंद हो जो मालिश कराता है, और ये सारे लोग इन सबको, हाँ नहीं, और जिस तरह से हाँ आसाराम और अभी ये जो भाग्य नित्यानंद की बात कर रहा हूँ, हाँ, जो आज आजादी मिली है भारतीय संविधान की वजह से मिली है, डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिली है, उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि ये आज़ादी जो है ये हमको किसी हालत में खोनी नहीं है। जो भी आज़ादी हमें मिली है उनकी वजह से कि हम एज इंसान की तरह हम जी सकें और काम कर सकें और निर्डर होकर हम अपनी बात रख सकें, वो खत्म हो रही है। लेकिन यहाँ पे तो जिंदा रहने की भी आज़ादी नहीं, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है और जो कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ऐसी चीजें होती हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और जो शिकायत करता है, जैसे वो चिन्मयानंद के केस में जिस लड़की का उसकी उसको एग्जाम भी नहीं दिया देने जा रहा है, आज अब खबर आई है उसको बंद कर दिया जेल में, तो आप अगर शिकायत करते हैं ऐसी चीजों के बारे में तो आपके खिलाफ ही सारी कार्रवाई की जाती है। तो ये तो गुंडों का राज है, ये तो रेपिस्ट का राज है जो चल रहा है। इसलिए इसका हम देश में हम ये कहना चाहते हैं लोगों से कि आप सबसे पहले अपना वोट का हक तो वापस लीजिए। जब तक ये ईवीएम चलेगा तो आप कितने कितने जन आंदोलन पहले भी चले थे, वोट कहाँ चला गया? और किसी को पता नहीं चल रहा है कि पर्दे के पीछे वोट कहाँ जा रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और दुनिया में सारे बड़े बड़े देशों ने ये रिजेक्ट कर दिया है, ईवीएम और बैलेट पेपर पे वापस चले गए हैं, जो सबसे एडवांस कंट्रीज हैं टेक्नोलॉजिकली। और जहाँ जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी उतना ज़्यादा और हैकिंग की पॉसिबिलिटी होगी। हम डिमांड करते हैं एज नागरिक कि आप ईवीएम को तुरंत रद्द करके बैलेट पेपर पे वापस जाइए और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराइए और फिर देखते हैं कौन जीतता है। जहाँ जहाँ बैलेट पेपर हो रहा है वहाँ वहाँ बीजेपी की हार हो रही है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।